अच्छा अंकित के बाद तो हरियाणा में बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन जवान के बहुत बहुत सारे आपका के सपना है उनका तो सपना ही था मोदी मिलना वो तो मिल रही मोदी जी आप भी चाहो कि मोदी जी से मैं भी नुचा थी मोदी के अंकित बयापुरिया का नाम तो आपने सुना होगा 75 फाइव डे आड़ चैलेंज दिया था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंकित को बुला लिया था अब ये जो क्रेज है 75 डे का ये भाई पूरे हरियाणा में छह बच्चे बूढ़े जवान सारे करण लग रहे आज हम आप तक हैरान कर देने वाली एक महिला से मिलवाऊंगे जो पैंसठ साल की है जिसका नाम है बाला देवी पैंसठ साल की उम्र में अंकित की तरह आड़ चैलेंज दे रही है पचपनवा दिन है और ये ताई का घर है पानीपत के गांव नंगल खेड़ी की रहन वाली है और इस मकान में रोह है तो चलिए भाई हम बात करेंगे ताई ने देखेंगे घर में कहा क्या कर रही है ताई तो चलिए परिवार के लोग है हाँ जी भाई साहब क्या नाम आपका राम राम जी राम राम भाई साहब क्या नाम है राजेश नाम है जी मेरा अच्छा बाला देवी जी का मिलेगी मेरी मम्मी अंदर ही है जी अच्छा, अच्छा आपकी जी मदर है है एक्सरसाइज चलिए भाई हम बालाजी तय मुलाकात आपकी कराऊंगी ये छोटा सा ये कमरा भाई और वो देख वो सामने भाई आप देख सकते हैं पैंसठ साल की बाला देवी सुबह ही एक्सरसाइज करने शुरू कर जब हम कमरे के अंदर पहुंचे तो ताई हमने पहला टास्क पूरा कर नजर आई तो बात करेंगे चलिए बातचीत करने राम राम? राम राम कर बटरफ्लाई अच्छा कितने दिन करोगे आप मैं तो करती रहूंगी करती रहूंगी अच्छा ताई कब तक शुरुआत करी थी आपने शुरुआत तो ये दो तीन महीना था वैसे जाकर अच्छा। फिर अच्छा। मेरा शरीर दर्द करने लग गया, फिर मैं जी, जी, करने लगी करती करती मैं अपना वो टीवी अच्छा। में देखती रही फोन में देखती रही होता दे इस उम्र में इस उम्र में बेटा बुढ़ा हो ची ठेरा हो जीवन हो ची चाहिए अपने शरीर के लिए अपने शरीर के लिए कौन देखा था आपने मैंने टीवी में देखा था फोन में देखा था अंकित नाम का सोनीपत का अच्छा, लड़का अंकित अच्छा, अच्छा, ने देख के हाँ, फिर मैं करने लगी फिर मेरा शरीर भी अच्छा रहने लग गया अच्छी तंदुरुस्त रहने लगी फिर मैं करने लगी फिर वैसे करती करती अपना हाँ। करती करती मैं चली गई अपना सारे काम धंधा तो भाई ताई देखो साथ के साथ अपना काम भी कर रही है रसोई में अपना काम कर रही है लेकिन हम पूरी बात कराऊंगे आपने ताई थे

किसी भी उम्र में हो कोई शर्म नहीं करने में अच्छा। मजाक भी बहुत करते हैं अभी है हो परिवार में परिवार में दो लड़के हैं अच्छा अच्छा और दो तीन पोते हैं अच्छा तीन पोते हैं तीन पोते इस तो उम्र में कोई कुछ बोलता नहीं आपने की पोते पोती हो गया आपके भाई ये पोता बैठा देखो बाला देवी के ये पोते है और ये लड़का है ये पुत्र वधु है भाई कोई कुछ बोलता नहीं आपके बच्चे नहीं बोलते ना मेरे बच्चे नहीं बोलते अच्छा मैं अपने शरीर के लिए कर रही हूँ मैंने कोई कुछ नहीं बोलता चलिए भाई कैसा लग रहा है आपको आपकी माता जी और कैसे आपने बताया या कैसे इनके मन में कैसे आया भाई ये कुछ नहीं बताया हमने तो मम्मी भी रील वगैरह देख दी रो है अच्छा। तो इन्होंने भी अंकित पुरिया की वीडियो देख ली थी अच्छा तो अच्छा। वो मोदी जी जी मिलके आए थे अच्छा अच्छा। तो मम्मी बोली कि जब ये कर सकते हो तो मैं भी घर का दिखा दू दिखा दे मां खाली तो बड़ी रो है खाली मेरी माँ पर रहती नहीं, तो नहीं था तो हो नहीं, या तो काम कर कर है। दिन मैं कर ली हूँ दस पंद्रह तो एक्सरसाइज मैं कर ले करो सुबह के उठो शुरुआत के क्या था करो शुरुआत सबेरा उठ कर दूध लेध ले कर मैं रोड पर जाती हूँ रेस मारती हूँ पार्क में जाकर मैं, जा मैं एक्सरसाइज चालू कर देती हूँ चालू करके नहा के मैं खाना खाती हूँ खाना खाते शाम की एक्सरसाइज, शाम की जो जो का बात करेंगे आप बताओ था, इस जो डे है, है कौन सा दिन चल रहा कौन-कौन सी एक्सरसाइज शुरुआत शुरुआत तो तो बता बता दो दो अब डिटेल में बता सबने। उठो चालू कर देती हूँ करके नती हूँ आन कर ना धोकर मैं रोटी खाऊ रोटी खा के फिर मैं लड़के ना रखती हूँ सारा दिन ये ड्यूटी चले जाते अच्छा। फिर शाम की एक्सरसाइज श्याम की एक्सरसाइज अपना बटरफ्लाई ओगा ये मैं करती हूँ श्याम की फिर बहूर छोरा गीता पढ़ देते हैं जय सिया राम ऐसे ऐसे करते करते सारा दिन बीत जाए मन तो इसी में मन है मेरा तो थकते नहीं आप पैंसठ साल उम्र होली आप थक थकते नहीं आप तो ना मैं थकती घी दूध खा क्या है पुरती आ रही है हाथ में दर्द नहीं है मन काजू बदाम खाती हूँ आप खीरा खाती हरी सब्जी खाती हुती दलिया खाती हूँ थोड़ा बहुत काजू बदाम खाती हूँ दूध में थोड़ा बहुत घी घेर ले हूँ वो अड्डा मेरू जा अपना फुर्ती आ जाती है फुर्ती आ जाती है सारा काम ये घर का भी करती हूँ बाहर का भी करती हूँ लड़के ने भी रखती हूँ ऐसे चलते चलते मेरा थकता नहीं मेरा शरीर अच्छा अच्छा हाँ मेरा शरीर नहीं थकता है आस पड़ोस की बुजुर्ग लेडीज है, है मैंने हाँ, कौन मैं अच्छा। हाँ, मैं मैं <laughs> मैं मैं लेगा फौज में इसे से शेर जवानी तो फौज में मै देनी मैं तो अपने शरीर के लिए करती हूँ कोई कुछ कह दे दुनिया तो कहने की बनाई से अच्छा अंकित के बाद तो हरियाणा में बहुत सारे कर रहे हैं लेकिन आ, जवान बहुत बहुत सारे आपका उनका था। वो, आ, आप भी मैं भी, भी मोदी अच्छा, बहुत दुख से बहुत दुख काटा है अच्छा, अच्छा, फिर मैं सुख लेना चाहू हूँ देखो परमात के परमात्मा के लिए थरीदयाता है परिवार में कौन कौन था आपके परिवार में तीन पोते हैं दो बहू हैं अच्छा, दो लड़के हैं बहू कुछ नहीं बोलती कि की सारा दिन प्रैक्टिस करे काम भी कर लो बहू ना बोलती कुछ भी मेरा मन है इसी में इसी में लगी रहूं अच्छा कितने लड़के आपके दो लड़के हैं दो बहू है दो, है। दो है। तीन पोते क्या, कुछ क्या काम करे सारे बच्चे बस ये डैडी मजदूरी का मजदूरी का हाँ। अब तो आप सोशल मीडिया पर काफी फेमस हो रही हो काफी लाखों लोग देख चुके हैं आपने तो खुशी महसूस होगा आपने हाँ खुशी महसूस होगा जब मैं दुनिया की सुनती नहीं मखा दुनिया कहती रहेगी दुनिया कहने की बनाई है अच्छा हाँ, मेरा करण का काम है दुनिया बोले जाओ बोले जाओ कोई मेरा शरीर पे नहीं आता बोलेंगे बोलने वाले तो बोलेंगे बुढ़ापे में ये करती है अक्सर सर्च करती है सवेरा उठ के जाती है ठंड बिना लगती इसके पर में भी दर्द ना होता अच्छा बोलते हैं बहुत भाई आपको भी कोई बोलला कि आपकी मां 65 साल की उम्र होली है बडज 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 नहीं बोला तो है कि हाँ बुढ़िया गिर कह रही है अपना अच्छा। मत बस की ना हो तो भाई थाम ना करो फिर जो उसका मन अपना करेगी अच्छा। अपना सही है अपना एक्सरसाइज कर रही है कोई गलत काम तो नहीं कर रही बढ़िया सीख मिल रही है बावन दिन हो, हो गए जी बावन दिन रूटीन में कोई किसी दिन ऐसा तो नहीं भी बारिश होगी सर्दी ज्यादा होगी नहीं बिल्कुल ठंड भी पड़ी थी बिल्कुल इब कह जब भी मेरी माँ ठंड में भी बीजा है अच्छा अच्छा मन दी मेरी माँ तो ये थे हमारे साथ भाई बाला देवी पैंसठ साल की है भाई पिछहत्तर डे आठ चैलेंज दिया था और देख सकते हो तंदुरुस्त हैं पूरी तरह से सुबह उठती है भाई और पूरा दिन का प्रैक्टिस में ये नहीं कि भाई ताई काम नहीं करती घर का तो ताई की बहू भी यहाँ थी ने बताया भाई काम भी घर का पूरा करें लड़के भी है दो लड़के भी है भाई पोते पोतिया ने भी संभाला ये देखो ये छोटा सा बच्चा पोता ताई का तो इसने भी संभाला और ये ताई का घर है भाई ये देख लो नंगलखेड़ी में पानीपत के पास पड़ा है नंगलखेड़ी गाँव और ताई की जो स्टोरी है वो संघर्ष भरी है पहले मैंने मजदूरी भी करी और आज इनका ये कहना है कि भाई जो इनकी उम्र की महिलाएं हैं बुज़ुर्ग हैं वो सिर्फ चार पाई पर बिस्तर पे नहीं लेटी रह है वो कुछ प्रैक्टिस करे तंदुरुस्त रहोगी तो हाथ पैर सही चाल लेंगे तो ताई का जो सेवेंटी फाइव डे का जो चैलेंज था वो बावन दिन पूरे हो गया है अब देखना होगा कब तक ये अपना पचहत्तरवा दिन पूरा करती है भाई अपने सहयोगी के साथ प्रदीप रेडू